गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो फिर स्वागत है आपका इस नए ब्लॉग में। और पहाड़ में नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी हम जा रहे हैं जंगल, और उन लाके हम जा रहे हैं सब्जी के लिए लेंगड़ा, जिसको हमारी पहाड़ी भाषा बोलते हैं। और उन लाके फर्न आपको पता होगा, जो कि टेरिको फाइट किंगडम फैमिली से है, और यह हमारे कुर्मला के जंगल में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। वहाँ का नाम है मानवी, और वहीं से कुर्मला के हमारे गांव तक पानी भी आता है, और कम से कम 4-5 किलोमीटर का रास्ता है। और साथ में है साथी, 3 लोग ये हैं और एक में 4। और बाकी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, और आजकल कुर्मला के गर्मियों के टाइम पे जंगल में बहुत ही मज़ा आता है इंजॉय, तो इंजॉय के लिए हम जा रहे हैं। और साथ ही में सब्जी भी लाएंगे दोपहर की खाने के लिए, तो आप बने रहें ब्लॉग में। और यहाँ पे आप देख सकते हो आगे ये हमारे साथी लोग, और ये देखो शूली के फूल अभी भी यहाँ हो रखे हैं, फर्स्ट क्लास। और यहाँ का अगर थोड़ा नज़ारा आपको बताऊं तो ये आप देख सकते हो कुर्मला के बांज के पेड़ हर जगह पाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा तादाद में। और यह खेत खलिहान कुर्मला की, यहाँ भी हमारे गांव वालों की खेत है। और यह कुछ इस प्रकार से ये रास्ता है, और अभी कम से कम 2-3 किलोमीटर हमें आगे जाना है, और वहाँ जाके तो बहुत ही एब्सोल्यूट बिल्कुल फैंटास्टिक वाला व्यू आपको देखने को मिलेगा, तो आप ब्लॉग में बने रहें। फाइनली दोस्तों, हमने लगभग जंगल में एंटर कर लिया है, और यहाँ से घनघोर जंगल शुरू हो जाता है। ये और जंगल में आके कुर्मला की अलग ही फीलिंग आ जाती है, एकदम फर्स्ट क्लास वाली। सबसे पीछे पे चल रहा है विपुल भाई, उसके बाद विवेक, और आगे जो हमें गाइड कर रहा है वो है साजन। और पंछियों की आवाज आप सुन रहे होंगे, बहुत ही प्यारी मधुर आवाज है। और ये आप देख सकते हो इतने हाइट पे लंबे लंबे पेड़ बांध के हैं सब। और थोड़ी देर में हम जंगल के बहुत ही खतरनाक बिहड़ में पहुंचने वाले हैं, और हर किसी की बस की बात को पार करना नहीं है। और साजन हमें बताएगा कि दलदल से कुर्मला कैसे पार करना है दलदल, क्योंकि साजन को बहुत ही अनुभव है इन जंगलों का, और बचपन से ही मोगली की तरह ये देख सकते हो बहुत ही बड़े बड़े विशाल पेड़। और अभी ये एरिया है, ये है यहाँ का नाम है बीसीदार। इस शब्द से अगर मीनिंग निकाले तो 20 धार यहाँ दिख तो नहीं रहे हैं, पर होंगी शायद। और यहाँ से हमें लेंगड़ा मिलना शुरू हो जाएगा, और यहाँ कम कम मिलेगा, पर जहाँ मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचना है वहाँ पूरी पूरा प्लॉट मिलेगा आपको इस सब्जी का। और ये कुछ रास्ते, और ये हमारे साथी, यहाँ पे थोड़ा 5 मिनट का रेस्ट करेंगे और फिर निकलेंगे हम आगे की ओर। यहाँ पे थोड़ा बिल्कुल कुछ कहेगा इन जंगलों के बारे में, इस खूबसूरती के बारे में साजन। अरे यार, और यहाँ पे विवेक, तो मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद गाइस, ये जंगल बहुत ही अचंभव है, आगे जब जाके हमें शायद दलदल का सामना करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें एक बहुत बड़ी गुफा जहाँ की शेर रहते हैं उनको क्रॉस करना पड़ेगा। ये है हमारे गढ़वाली बहुत ही खतरनाक जंगल, क्या ही बोल सकते हैं। एक छोटा सा बीहड़ है, बारिश के टाइम पे कुर्मला के यहाँ सर सर तक पानी रहता है, और अभी पूरा सूख रखा है, आप देख सकते हैं।
ये ऊपर से आता है पानी, और बुरांस के पेड़ तो यहाँ आपको बहुत ही मात्रा में मिल जाएंगे हर जगह, ये आप देख सकते हो। और हम चारों में हर किसी के पास एक विशाल गुण है, जैसे आगे पे आप देख सकते हो विवेक भाई जा रहा है, तो विवेक के पास कुल मिला के पक्षियों की बोली समझने और कुल मिला के उनका क्या बोल रहे हैं वो समझ पाता है। तो अभी कुल मिला के ये सब पंछी को क्या बोल रहे हैं तो विवेक को सब पता चल रहा होगा, क्योंकि सबसे आगे जा रहा है। ये जंगली मुर्गे, ये जंगली मुर्गे यहाँ बहुत ही मिलते हैं। भी हम पहुंच चुके हैं जंगलों के बीचों बीच, और ये आप देख सकते हो काफी विशाल पेड़ है, बहुत ही हाइट होगी इनकी लगभग, क्या ही बताएं, क्या आप देख सकते हो 30 के पेड़ हो गए, और मांझ ग्रास। नजारे की बात करें तो काफी सुंदर नजारा है, और काफी अच्छा भी लग रहा है। और कम से कम थोड़ी देर वहाँ पहुँच जाएंगे अपनी लास्ट फाइनल लोकेशन तक, और बाकी अभी हम लगभग पहुँचने वाले हैं, बीच में रास्ता भटक गए थे तो उसकी वजह से रास्ते ढूंढने में कुल मिलाकर टाइम लगा, और थोड़ा यहाँ पर रेस्ट करेंगे, उसके बाद आखिरी पड़ाव हम पार कर लेंगे, और थकान थोड़ा लग चुकी है। उमला की झाड़ियों के बीच से जाना पड़ रहा है, ये नज़ारे कुदरती बहुत ही सुंदर नज़ारा, और ये रास्ते और यहाँ से हमें लगभग सब्जी मिलना शुरू हो जाएगी लैंगड़ों की, और लगे यहाँ खतरनाक झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों के बीच से ये कुछ इस प्रकार से रास्ता है, और साथ में साथी रोग, बहुत ही प्यारा नज़ारा खूबसूरत। और अभी इससे भी खूबसूरत नज़ारा आपको आगे देखने को मिलेगा, और पंछियों की सुंदर सी आवाज। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन में, और यहाँ का नाम है मानवी, बहुत ही सुंदर नजारा। और लोगों ने आप देख सकते हो पानी के लिए ये प्लास्टिक की पाइप लगा रखे हैं, और यहीं से पानी कुल मिला के हमारे गांव तक जाता है, और बहुत ही ताज़ा पानी है, सुना ही होगा आपने पहाड़ों में बांझ की जड़ों से पानी निकलता है बहुत ही टेस्टी। और ये आप देख सकते हो पाइपलाइन बिछी हुई है, और बस कुछ ये चंद सेकंड में हम पहुंच जाएंगे अपनी लोकेशन तक, और यहीं बीच में वो बिहड़ भी आने वाला है जहां साजन भाई ने बताया था, बहुत ही खतरनाक दलदल है यहाँ पे, थोड़ा उसको पार करना पड़ेगा। और ये प्रकृति के सुंदर नज़ारे देखने से कुल मिला के आप देख सकते हो, और ये पीहड़ यहाँ नीचे है, और ये दलदल हल्की जिस दलदल की बात हम कर रहे थे वो आप देख सकते हो, बहुत ही लंबा यहाँ से और यहाँ तक ये पूरा है, और ये बिहार पार करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, ये आप देख सकते हो पूरा पूरा पानी है, और इसकी गहराई का कोई पता नहीं है कितना गहरा है, और साथी लोग वहाँ पहुँच चुके हैं इस बिहार को पार करके, और कुल मिला के अब ये पूरा तालाब भर जाता है, तो गर्मियों के टाइम पे कुल मिला के अब यहाँ पे जंगल में जिनके भी जानवर रहते हैं तो भैंस भूस हो गए वो तालाब में नहाने के लिए आते हैं। और ये आप देख सकते हो बहुत ही विशाल पेड़ है, और इस पे इसकी कुल मिला के जड़ पे आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा, कुल मिला के 2-3 आदमी आराम से
इसमें रह सकते हैं। और यहाँ पे एक खिड़की बनी हुई है, यहाँ बहुत ही सुंदर ये। तो मैं इस गुफा के अंदर जाके देखता हूँ। ये आप देख सकते हो शिमला की, अभी मैं पेड़ के अंदर हूँ और ये आप देख सकते हो ऊपर पेड़, और बहुत ही अच्छा है इसके अंदर, फर्स्ट क्लास। वाह, बाहर जाने का रास्ता। और ये पीछे ये बहुत ही खतरनाक भीड़ है, ये आप देख सकते हो यहाँ से लेकर सीधे उस साइड तक। और यह शुद्ध ताजा जल, हाँ यार ये बहुत ही खतरनाक यहाँ पे दलदल है, इसको पार करना बहुत ही टफ है। और ये छोटे छोटे यहाँ पे कुएं बने हुए हैं, और यही पानी आप ये है शुद्ध जल, और यही पानी जाता है हमारे गांव तक, पाइपलाइन यहाँ पे बनी हुई है। थोड़ा विवेक कुछ कहेंगे क्या कहना, कोई आइडिया, थोड़ा शीतल जल का आनंद लेंगे। साजन इसके सामने पेस्ट्री भी पी है, थोड़ा पानी पीता है, बहुत ही ठंडा जल, कुल्ला की पूरी थकान मिट गई। और अब बस ये रास्ता है और पहुंच जाएंगे हम पूरे प्लॉट, सब्जी के प्लॉट तक। और ये पूरा दलदली एरिया है यहाँ से पूरे उस साइड तक, ये आप देख सकते हो। और पहुंच चुके हम इस प्लॉट में, और थोड़ा जल्दी आ चुके हैं और शायद अब होने वाले हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हो ये नन्हे मुन्ने पौधे अब उग रहे हैं, मतलब और पूरे कुलमला के यहाँ ऊपर ऊपर तक पूरा ये लंगड़ों का प्लॉट है। हर थोड़ी निकालते हैं और आपको मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। दोस्तों फाइनली सबने निकाल दिया है लैंकड़े सब्जी, ये मेरे को कम से कम 5 किलो तक हो गई, ये विपुल का, और दो भाई लोग यहाँ बैठे हैं। और इस पूरे प्लॉट पे कुलमला के ये सब्जी होती है लैंकड़ों की, और 2-3 प्लॉट हैं, एक इसके पीछे भी है, तो लगभग हमने निकाल दिया है। और अब निकलते हैं घर की ओर, टाइम भी लगभग हो ही चुका है। इसी जंगल में हमें पता नहीं एक चीज मिली है, बहुत ही विचित्र चीज, आप ये देख सकते हो, ये पता नहीं क्या चीज है। वाह, ये शायद फूल है, प्रकार का जंगली फूल। और सभी साथी लोग निकल रहे हैं अब घर की ओर, और थोड़ा आगे भी पानी पूनी पियेंगे और फिर आपको मिलते हैं सीधे घर में। दोस्तों ये आप देख सकते हो ये है बहुत ही विचित्र पेड़, और कम से कम 2-3 इंसान इस पर आराम से बैठ जाएंगे। और बहुत ही अच्छा है ये दरवाजा हो गया, और यहाँ पे ये खिड़की आप देख सकते हो, मतलब बहुत ही प्यारा ढांचा बना रखा है कुदरत ने खुद। और बहुत ही विशाल पेड़ है ये आप देख सकते हो, नाम तो इस पेड़ का पता नहीं पर पता कर लेंगे। और अंदर से आप ये देख सकते हो पूरा मतलब खोखला और का है,
और ये आप देख सकते हो नेक्स्ट ब्लॉगर कुल मिला के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे मुझे। अरे दोस्तों फाइनली अभी मैं घर आ चुका हूँ और 12:30 बजे कुल मिला के बज चुके हैं और हालत भी थकान कुल मिला के खराब हो चुकी है हालत भी और थोड़ा आग बहुत होते हैं और आपको सीधे मिलता हूँ जब ले उनकी सब्जी बनेगी तो कुल मिला के खाना खाते टाइम तो आप बने रहे ब्लॉग में थोड़ा हाथ धोते हैं मिलते हैं आपको 5 मिनट। और दोस्तों अभी हम बना रहे हैं लेंगड़ों की सब्जी। तो लेंगड़ा की सब्जी कैसे बनाई जाती है वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें इसको इसका बाहर के कवाड़ साफ़ करना है और फिर इसको बॉयल करना है गर्म पानी में और उसमें थोड़ा नमक डाल के अच्छे से जब बॉयल हो जाएगा तो हमें इसको कुल मिला के सरसों के बीजों में जो हमारी पहाड़ी भाषा में इसको दैण बोलते हैं तो उसमें फ्राई करते हैं जो कि अभी माँ कर रही है और इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे और उसके बाद 5 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे और उसके बाद बन जाती है लेंगड़ों की सब्जी और जो कि बहुत ही टेस्टी होगी और आगे आप देखना और ये आप देख सकते हो। और फाइनली यहाँ पे अभी लेंगड़ों की सब्जी बन के हो गई है तैयार, ये आप देख सकते हो और देखने से ही आप समझ सकते हो कि कितनी टेस्टी होगी। तो ये बहुत ही टेस्टी होती है, ये आप देख सकते हो। तो अभी इसको थोड़ा टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं। और दोस्तों अभी माँ खाना दे रही है तो हमने आज साग में बनाया है जो सोयाबीन होता है सोयाबीन के बट तो उनको पीस के उसका साग बनाया है और कुल मिला के इस साग में अगर लेंगड़ों की सब्जी हो जाए तो और भी मज़ा आ जाता है। तो कुल मिला के सब टेस्टी टेस्टी है और मेरी फेवरेट चीज़ें बनी है तो क्या ही बोले। तो अभी थोड़ा खाना खाते हैं और आपको पहले बताता हूँ कि इसका टेस्ट क्या आ रहा है इस सब्जी का। वाह बहुत ही जबरदस्त और फैंटास्टिक हो रहा है इसका टेस्ट और चाय बोले। सो दोस्तों अभी फाइनली खाना खा लिया है और सब्जी की तो बात ही क्या करें, बहुत ही टेस्टी बनी थी और बहुत ही अच्छा भी लगा। सो अब आ चुका है वीडियो को एंड करने का टाइम क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है और लास्ट में आपको ये कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक